नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। नोकिया ने अपना स्मार्टफोन जो किया है लॉन्च कर दिया है, नोकिया 6। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा अपनी राय। और मेरा नाम है विजय और आपका मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल मंत्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोकिया ने साल की शुरुआत में ही धमाका कर दिया है अपना स्मार्टफोन लॉन्च करके। इस फ़ोन में आपको जो मिलेगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको इस फ़ोन में क्या क्या मिलेगा। इस फ़ोन में आपको 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 2.5D गोरिल्ला ग्लास के साथ आती है। और आपको इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन कॉलकॉम का 430 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा, तो जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इसके देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है। जो नोकिया 6 में आपको कैमरा मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, तो जो कि f2.0 अपर्चर लेंस के साथ आता है। और इसमें आपको 1 माइक्रोन का पिक्सल साइज़ मिलेगा। तो जो कि नोकिया 6 में आपको जो रैम मिलती है वो मिलती है 4GB, और जो स्टोरेज मिलती है वो है 64GB की, जिसको आप मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो जो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है इन्होंने, ये डॉल्बी एटमोस के साथ लॉन्च किया है। तो इसमें आपको वॉइस जो है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, साउंड क्वालिटी। तो देखते हैं कि ये नोकिया का जो फ़ोन है वो इंडिया में कब लॉन्च होता है, क्योंकि ये फ़ोन इन्होंने सिर्फ चाइना में ही लॉन्च किया है। जो इसकी कीमत रखी गई है वो है 1699 चाइनीज़ युआन, यानी कि लगभग 16,700-18,000 के नियर अबाउट ये इन्होंने रखी है इसकी कीमत। तो देखते हैं इसको ये नोकिया वाले इंडिया में इसको कब लॉन्च करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और आप मेरा चैनल जो है टेक्निकल मंत्री, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।